फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट्स पर मैं रुना आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूले ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बॉयज के लिए फ्लैट बुके बनाएंगे। ये अलग तरह का थोड़ा बुके होगा जिसमें हम हमारी चॉकलेट्स हो गया या परफ्यूम हो गया या कुछ भी और आइटम्स हो गए जो हमें बॉयज को गिफ्ट करनी है वो हम रख के पैक कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्लैट बुके बनाने के लिए देखिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले तो बॉक्स, कोई भी बॉक्स आपके पास में रखा हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बॉक्स था, मैं इसे यूज कर रही हूँ। फोम शीट, ग्लिटर फोम शीट इसमें यूज किया मैंने। कुछ इस तरह के देखिए फ्रूट आते हैं, चेरी फ्रूट टाइप के हैं ये। मोती की माला ली है मैंने। फ्लावर्स लिए, आप देख रहे होंगे येलो कलर के फ्लावर्स लिए यहाँ पे मैंने, और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में लिए, दो तरह के फ्लावर लिए हैं मैंने यहाँ पे। और ये देखिए शाइनिंग वाली ग्लिटर ग्रास है, ये शाइनिंग वाली ग्रास हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम ये हमारा बॉक्स लेंगे और बॉक्स के चारों तरफ हम हमारे ग्लिटर पेपर को लगाएंगे। साथ में आप देख रहे होंगे ये मैंने एक छोटा सा और माउंट बोर्ड कटिंग कर रखा है, इसे हम इसके सेंटर में इस तरह की पार्टिंग के तौर पे यूज करेंगे इस तरह से। तो अब हमें हर जगह पे हमारा ग्लिटर लगाना है, ग्लिटर वाली फोम शीट यूज करनी है। जैसे मैंने दो कलर लिया, आपके पास में एक कलर हो तो उससे भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सेंटर वाली पोर्शन पे ग्लिटर की ये शीट लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। उसी तरह हम सारी हमारी ग्लिटर की जो शीट है वो इस तरह से बॉक्स पर चिपकाकर बॉक्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए पूरे बॉक्स पे हमारी फोम शीट लग के रेडी हो गई है। अब देखिए अब फिनिशिंग थोड़ी सी, ये देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है हमने जो लगाया है शीट, और यहाँ पर जो है फिनिशिंग दे सकते हैं। देखिए ये जो मोती की माला मैंने बताई थी, या तो आप उसे लगाकर फिनिशिंग दे सकते हैं, या इस तरह की लेस भी आती शाइनिंग वाली वो लगाकर भी हम इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। तो पूरे चारों तरफ जहाँ जहाँ भी हमें दिख रहा है इसमें पूरा हम फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से कवर करके हम इस तरीके से हम हर जगह से ये हमारे लेस को लगा देंगे या मोती की लाइन को लगा देंगे। ये देखिए हमारे बॉक्स पे चारों तरफ हमारी लेस लग के रेडी हो गया है, बिल्कुल नया बॉक्स तैयार हो गया। एक पुराना बॉक्स को देखिए हमने किस तरह से एकदम नए बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, एक सेक्शन हमें गिफ्ट के लिए रखना है और एक सेक्शन को हम डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये वाली ग्रास ली है मैंने, जो शाइनिंग वाली ग्रास है, इसे हम इसे फिल करेंगे। इसमें अच्छे से हमें इसमें डालनी है ये ग्रास। खूब अच्छे से देखिए इसे हमने ऊपर से फिल कर दिया है। इस हिस्से हम बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, हल्की सी डालेंगे बस, क्योंकि इसमें हमने गिफ्ट रखने हैं या हम कुकीज चॉकलेट दे रहे हैं वो रखने हैं, या कुछ भी गिफ्ट आइटम जो आप बॉयज के लिए लेना चाहते हो वो आप इसमें रख के दे सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें ग्रास डालेंगे और इसमें हम ऊपर तक ग्रास कर देंगे। प्लेन वाली जो ग्रास आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। ऑनली प्लेन ग्रास को डालकर उसके ऊपर हम हल्का सा ग्लिटर भी अगर छिड़क देंगे तो भी इसकी बहुत सुंदर शो आ जाएगी। ये सब सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास में इस तरह की ग्रास नहीं हो तो क्या करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर तक फिल कर लिया। फिल करने के बाद में अब हमने इसमें ये फ्लावर को अरेंज करना है। अब देखिए अंदर जा रहा है, इसमें और हम फिल कर देंगे, अच्छे से फिल करेंगे ताकि हम फ्लावर्स को ऊपर ऊपर लगा सकें। फ्लावर्स अगर अंदर जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब इस पर हम हमारे पूरे फ्लावर्स को अरेंज कर लेंगे अपने तरीके से। बीच में देखिए कहीं कहीं पे हमें फ्रूट्स हैं, इसे हम इस तरह से अंदर डाल देंगे इसके। और जो छोटे फ्लावर हमने लिए थे, छोटे वाले फ्लावर्स को हम भी पूरा अरेंज कर देंगे इसे।
कहने का मतलब ये है कि हम इसे पूरे बुके की तरह से पूरा सजा देंगे अच्छे से, और पूरा फ्लावर से इसे पूरा पैक कर देंगे। ये देखिए फ्लावर लग के रेडी हो गया, साथ में हमने कुछ छोटे छोटे से फ्रूट्स भी लगाए हैं। इसमें छोटा सा पोर्शन देखिए हमने बुके का बनाया। अगर आप इसे जैसे बड़ा बॉक्स ले रहे हैं, अगर इतना बड़ा भी बॉक्स ले रहे तो काफ़ी अच्छा बड़ा पोर्शन बुके का ले सकते हैं। और ये देखिए साइड का जो पार्टीशन बचा है हमारे पास में, इसके अंदर भी हमने हल्की ग्रास डाली है। और साथ में देखिए कुछ भी आपको अगर गिफ्ट करना है तो देखिए आप इसमें रख के इस तरह से दे सकते हैं। स्पेशली देखिए बॉयज़ को हमने कुछ देना है तो कुछ अलग देना है हटके, तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से। आपको अगर चॉकलेट्स नहीं देनी है, कोई परफ्यूम देना है तो आप वो भी दे सकते हैं इस तरह से। आप इसमें से ये देखिए इस तरह से प्लेस करके आप देंगे, बहुत सुंदर लगेगा ये परफ्यूम दिया हुआ भी। बेल्ट, वॉलेट, कुछ भी आप जो बॉयज़ को देना चाहते हैं वो आप इसमें आराम से गिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा है तो वही मैंने बताया आपको, बड़ा बॉक्स लेके आप एक पोर्शन में समझ लीजिए इस तरह का बुके बना दीजिए, और दूसरे पोर्शन में काफ़ी अच्छा सामान रखने के लिए स्पेस आपको मिल जाएगी। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से और भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें ग्लिटर फोम शीट लगाई है तो उसमें ऊपर ही फ्लावर का हमने डेकोरेशन रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने नीचे फ्लावर्स नहीं लगाए हैं। बहुत ही आसान तरीके से देखिए आज हमने एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट बनाया बॉयज के लिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।